उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कांग्रेस के जिन बागी विधायकों की वजह से सियासी बवाल खड़ा हुआ, आज उन्हीं बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आ सकता है। विधायकों की याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो कांग्रेस के बागी विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ अपनी याचिका दायर की है। दरअसल बागी विधायक सुबोध उनियाल, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल और प्रदीप बत्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 27 मार्च 2016 को अपनी सदस्यता खत्म करने संबंधी विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी थी। तो कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने बिना उनका पक्ष सुने ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी और आज ये माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। सोनू सिंह हमारे साथ हैं। सोनू, कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 3 मई तक नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर उसने रोक लगाई। इधर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर हर रोज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। क्या आज माने इस पर फैसला आ जाएगा, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है? देखिए श्वेता, उम्मीद यही की जा रही है कि जो 9 बागी विधायक कांग्रेस के हैं और जिन्होंने अपनी सदस्यता को लेकर, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के इन लोगों ने जो चुनौती दी है हाईकोर्ट में, निश्चित तौर पर आज नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस पर अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि कई दिनों से लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए गए हैं और माना यह जा रहा है कि एक दिन के गैप के बाद जो आज कोर्ट ने तिथि नियत की है, इस पर आज दोपहर के बाद संभवतः फैसला आ जाएगा कि क्या ये लोग पार्टी के मेंबर रहेंगे या फिर विधानसभा से बाहर का रास्ता कोर्ट इनको दिखा देगी। भले ही 9 बागी विधायकों के पास अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता खुला हो, लेकिन यदि यहाँ कोई फैसला आता तो इसका फर्क और रणनीतिकारों पर पड़ेगा, इसका फर्क कांग्रेस पर पड़ेगा, इसका फर्क उन बागी विधायकों के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा, ये कहा जा सकता है। श्वेता, कुल मिलाकर के आज का सिंगल बेंच का फैसला है, नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो आज का फैसला है वो एक महत्वपूर्ण फैसला होगा और इस पर सभी की निकाय टिकी हुई है। बिल्कुल, चलिए सुनो, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बागी विधायकों पर आज नैनीताल हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। तो बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 अप्रैल को विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अभी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकीलों ने अपना पक्ष रखा तो हरीश रावत के वकीलों ने भी अपनी दलीलें पेश की, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 मई तक टाल दी। इसके साथ ही उत्तराखंड में 3 मई तक राष्ट्रपति शासन भी जारी रहेगा। उन्होंने ये आदेश दिया है कि कुछ भी अमेंडमेंट जो होना है SLP में वो शुक्रवार तक हो जाए। मंगलवार 3 तारीख को अगले सुनवाई होगी। पूर्व CM की तरफ से ये हम लोगों ने दलील रखी है कि फ्लो टेस्ट ही SR भूमई के जजमेंट के हिसाब से इस अदालत ने कानून पारित कर रखा है और जो कुछ भी दलीलें थी वो पूरी हुई और इम्प्यून जजमेंट में कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है जो नया तय होना हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 7 सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या गवर्नर फ्लो टेस्ट के लिए मौजूदा तरीके से संविधान की धारा 175(2) के तहत संदेश भेज सकते थे? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विधायकों की सदस्यता रद्द करना प्रासंगिक मामला है? क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए फ्लो टेस्ट में देरी को आधार बनाया जा सकता है? क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति विधानसभा की कार्यवाही का संज्ञान ले सकते हैं? विनियोग विधेयक की स्थिति क्या है और विनियोग विधेयक के मामले में कब राष्ट्रपति की भूमिका की जरूरत होती है? ऐसा कहा जा रहा है कि मनी बिल फेल हो गया और सरकार चली गई, लेकिन अगर स्पीकर नहीं कहता है कि मनी बिल पास नहीं हुआ तो और कौन कह सकता है? गवर्नर और स्पीकर दोनों संवैधानिक अधिकारी हैं, तो क्या गवर्नर अध्यक्ष से वोटों के बंटवारे के लिए कह सकता है? एक ऐसा सुझाव, एक प्रश्न, कमेंट बेंच की तरफ से आया था कि कभी ना कभी तो फ्लो टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। अभी तो मंगलवार को सुनवाई होगी, वो सुनवाई आगे बढ़ेगी, जजमेंट आगे जाकर आएगा, लेकिन इस दौरान भी इस पर भी एक सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है।
उधर बीजेपी ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है। बीजेपी का कहना है कि पहले बागी विधायकों पर फैसला होना चाहिए। वकील ने वहाँ पर कहा है कि जो जिन 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया उनको उनके ऊपर भी निर्णय हो, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा तो शायद न्याय होगा। मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्लोर टेस्ट को अभी आगे बढ़ाया है और अगले 3 तारीख की। उत्तराखंड में बीते 18 मार्च से ही राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, जिसके चलते राज्य में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मामला अब अदालत में है। हाईकोर्ट राष्ट्रपति शासन के फैसले को खारिज कर चुका है। हालांकि इस पर अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। अब हालांकि इस पूरे मामले पर 3 मई को क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि वो अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि उनकी पार्टी को भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मान्य होगा। इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, आई हैव नो कमेंट्स टू मेक। हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और सर्वोच्च न्याय के मंदिर में इस समय केंद्र सरकार गई है। वहां से जो भी फैसला होगा वो फैसला हम सबको सिरोधार्य होगा। हमारा विश्वास है कि फैसला दूध का दूध पानी का पानी सर्वोच्च न्यायालय से होगा।